नमस्कार, एनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। भोगांव थाना क्षेत्र के ग्राम मुरादपुर नगरिया में खरंजे के विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर ईंट पत्थर पर लाठी डंडे चले, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। गांव के कुछ दबंगों ने दरोगा के साथ हाथापाई कर बाइक की चाबी छीन ली और कई राउंड फायरिंग की। देखिए हमारे संवाददाता गुलजार अहमद की रिपोर्ट। भोगांव थाना क्षेत्र के ग्राम मुरादपुर नगरिया निवासी सतीश चंद्र पुत्र रामसिंह कश्यप ने थाने में तहरीर देकर कहा है कि विगत गुरुवार को अपराह्न 2 बजे वह अपने परिवार के साथ घर के दरवाजे पर बैठे थे, तभी पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही नरेश, रामकिशोर, दिनेश व पुत्र लटूरी लाल, मनीष पुत्र अखिलेश चंद्र, कृष्णकांत पुत्र सूरज नारायण, कल्लू पुत्र राम ललते, पिंटू पुत्र रतिराम, सौरभ पुत्र नरेश, राजेश दुबे पुत्र दुर्गा प्रसाद के हाथों में असला लेकर उसके घर चढ़ाए और ईंट पत्थर द्वारा लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। जब हम लोगों ने विरोध किया तो नरेश तथा राजा ने तमंचे से फायर कर दिया, जिसमें जमादार सतीश चंद्र, रामकिशोर तेज सिंह, गौरव तथा रामा देवी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें गंभीर 2 घायलों को जिला चिकित्सालय से सैफई रेफर कर दिया गया। इसके अलावा गाँव के दबंगों ने मौके पर पहुंची पुलिस के साथ हाथापाई की और जिसके बाद उनके बाइक की चाबी निकाल ली। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनप्री। क्या नाम तुम्हारा? तेज सिंह। क्या घटना हुई आज? झगड़ा हुआ साहब। खड़ंजे के मारे। हम लोग वहीं थे, हम लोगों ने बीच बिछा भी किया, लेकिन उन लोगों ने मानी नहीं। ईंट पत्थर चलाए, हमारे भी चोट लगी, हमारे भाइयों के भी लगी, हमारी भाभी के भी लगी। अच्छा, फायर वायर भी हुए? हाँ, 4-5-6 फायर भी हुए हैं। पुलिस के सामने ही? पुलिस के सामने। क्या नाम आपका? सतीश। अच्छा, क्या घटना हुई आज? महाराज साहब, हम सब फलाते सब के साथ हम तो वहाँ गए थे तो ईंट पत्थर फेंकने लगे। अच्छा, किस बात को लेके विवाद था? यार थोड़ा जगह के था, दुर्गा साहब गए थे तो उनसे मतलब आपका लाना ठीक नहीं है। वो लोग अपनी सलाह, गांव वाले लोग सलाह पर लिख रहे थे, डायरेक्ट एकदम फायर कर लगे और ईंट पत्थर फेंकर लगे। अच्छा, पुलिस के सामने ही फायरिंग हुई है? हाँ जी। कितने फायर हुए? फायर भाई 6-7।